और उन्नाव कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ टीम ने सीतापुर जेल में सेंगर से पूछताछ की तो वहीं कुलदीप के कुल 17 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा भी मारा है और कुलदीप सेंगर पर कसा सीबीआई का शिकंजा। सेंगर पर कसा सीबीआई का शिकंजा। सेंगर के 17 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे। सेंगर के ठिकानों पर पहुंची सीबीआई। उन्नाव लखनऊ बांदा में छापेमारी। कुलदीप के करीबियों पर सीबीआई की नजर। सीतापुर जेल में सेंगर से पूछताछ। सीबीआई के सामने सच बताएगा सेंगर। ये दूसरी दफा है जब सीतापुर जेल में बंद उन्नाव कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर से सच उगलवाने सीबीआई की टीम जेल में पहुंची है। पहले शनिवार को करीब 6 घंटे तक सीबीआई की टीम ने कुलदीप सेंगर से पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की थी और अब एक दफा फिर जेल में रहकर सेंगर ने कैसे खेल खेला इसका पुख्ता सबूत हासिल करने की कोशिश कर रही सीबीआई ने सीतापुर जिला जेल में कुलदीप सेंगर से पूछताछ की है। उन्नाव रेप कांड में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। कल सीतापुर में सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर से 6 घंटे तक कड़ी पूछताछ करी। उसके बाद आज फिर सीतापुर जिलाकार सीबीआई पहुंच चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो गाड़ी है जिससे सीबीआई की टीम यहां पर आई है। आपको बता दें कल 6 घंटे की हुई पूछताछ में जेल की समस्त पत्रावली खंगाली गई है। साथ में जो रजिस्टर होता था वीआईपी रजिस्टर होता था लोगों के मुलाकाती पर्चियों का रजिस्टर होता था उसको भी खंगाला गया। उसकी पूरी जांच करी गई है। साथ में तमाम दस्तावेज सीबीआई कल यहां से लेके गई थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई थी कि कौन कौन कुलदीप सिंह सेंगर से अब तक मिलते आता रह गया है। एक तरफ सीबीआई सीतापुर जिला जेल पहुंची थी तो इस कांड में आरोपी शशि सिंह का बेटा भी अपनी मां से मिलने सीतापुर जिला जेल पहुंचा था। हिंदी खबर से बात करते हुए उसने अपना पक्ष भी रखा और अपनी मां को निर्दोष बताया। साथ ही रायबरेली कांड को लेकर सीबीआई पर परेशान करने का आरोप भी लगाया। जो रायबरेली कांड हुआ है उसमें जो पीड़ित परिवार का कहना है कि ये एक साजिश है तो साजिश में कुछ नहीं है, किसी की भी साजिश नहीं है। हम लोग पहले से ही इतना सा परेशान हो चुके हैं इतने केस में। हम लोग लगे पहले से कि कैसे भी मेरी माता जी बाहर आ जाए, हम दौड़ रहे हैं, साजिश कौन करेगा। तो ये सोचिए साजिश की गई है कि नहीं इसमें साजिश इन लोगों की है, इन लोगों ने बनाया है, इन्होंने ऐसा कराया है, ये सब गलत है। इधर सीबीआई की टीम लखनऊ से लेकर बांदा तक सेंगर के ठिकानों पर छापा मार रही है। उन्नाव और रायबरेली कांड के सच को जानने के लिए सीबीआई ने कुलदीप सेंगर के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। साथ ही सेंगर के करीबियों से भी पूछताछ की गई है। तो सीबीआई एक्शन मोड में है। सेंगर से सच जानने के लिए सीबीआई ने जाल बिछा दिया है। सेंगर के अलावा उसके करीबियों पर भी नजर रखी जा रही है। उम्मीद है जल्द ही रायबरेली और उन्नाव कांड का सच सामने आएगा। सीतापुर से गौरव के साथ योगेंद्र कुमार, उन्नाव, हिंदी खबर। और आज कुलदीप सेंगर से दिल्ली की विशेष अदालत में पूछताछ होनी है। सीतापुर से दिल्ली जब सीबीआई की टीम सेंगर को लेकर जा रही थी इस दौरान सेंगर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्नाव रेप कांड में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि उन्हें इस मामले में जबरन फंसाया जा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता और उसके वकील के जल्दी स्वस्थ होने की भी बात कही है। व्यापक जांच होनी चाहिए, दुर्घटना है या साजिश, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए और सारे चीजों की जांच होनी चाहिए। और जो अब तक क्या लग रहा है आपकी? सब राजनीतिक साजिश, सब राजनीतिक। तो लगता है कि आपको मदद करना महंगा पड़ा है किसी की? हम तो मदद करने के लिए पैदा हुए थे, मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। गरीबों की मदद, कमजोर लोगों की मदद, समाज के हर वर्ग लोगों की मदद करने का काम कुलदीप सिंगर ने आज तक किया है और वो काम बराबर करते रहेंगे चाहे जैसे करना पड़े। रायबरेली हादसे के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक हादसा है या साजिश, इसकी जांच सीबीआई उच्च संस्था कर रही है, आप लोग भी उसमें मदद करिए। सीबीआई पर पूरा भरोसा है आपको? सब पे भरोसा है, हम पे, हमको आप पे भी भरोसा है। सही चीज दिखाइए, सही चीज दिखाइए। जो पीड़िता है ये जैसे आजकल वहाँ पे भर्ती है, इसके लिए आप क्या दिखाइए? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पीड़िता और वकील स्वस्थ होके समाज में का अच्छा काम करें। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।